प्रीमियर प्रो सीसी में हम चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे हैं, जो है वर्किंग विद इफेक्ट्स। इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिंग इफेक्ट टू मास्टर क्लिप्स। इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह हम फिल्टर और इफेक्ट्स ऐड करते हैं, और हमने देखा कि किस तरह हम मॉडिफाई करते हैं इफेक्ट्स को जो कि हम प्लेस करते हैं क्लिप पे। सबसे पहले हमने देखा कि हम गैमा करेक्शन किस तरह करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इफेक्ट टैब्स के थ्रू हम उसके अंदर हमने गैमा करेक्शन की थी। अब सबसे पहले हमारे पास, अगर हम गैमा करेक्शन पे जाएं, तो हम लोग वर्चुअल स्लाइडर हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर हम उसको अगर राइट पे करें तो वो हमारे इमेज को काफी डार्कर कर देता है। अब हम स्प्लिट हमने देखा कि किस तरह हमने गैमा करेक्शन की, इसको नंबर के थ्रू भी हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और है, स्लाइडर का पैरामीटर है, जिसके थ्रू भी हम इसको स्लाइडर को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये अब काफी बेहतर है। अब देखते हैं कि हमारा क्लिप किस तरह का शो हो रहा है, और इसे डिसेबल कर देंगे फिल्टर को। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट साइड है, उसके बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिसेबल हो जाएगा फिल्टर। ये हमारे पास फिल्टर अप्लाई हुआ है लेकिन डिसेबल हो गया, विजिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह का लगता है।